अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखिए आज हम बना रहे हैं पाव भाजी। पूरा सामान ले चुके हैं, बस अभी हम रात को बनाएंगे और थोड़ा अपने नाश्ता कर। पानी पूरी खा रही है और ये भाई भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जा रहे हैं पाव भाजी बनाने के लिए। पाव भाजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है ये। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखिए मैं पाव भाजी की तैयारी कर रही हूँ। ये सब कटिंग हो गया है, फ्लावर मैंने उबाल ली हूँ, ये बटाना है। और आज कुछ स्पेशल है क्योंकि आज कैफ आए हैं। आ जाओ कैफ, आज कैफ के लिए बन रहे हैं। आज इधर फैस वो नहीं है, आज स्पेशल पाव भाजी बन रही है। हाँ, क्योंकि कैफ को बहुत पसंद है, इसके लिए जब भी बनाने का इरादा होता है सबसे पहले अंकल का फूल जाता है कैफ को, क्योंकि कैफ आ जाओ। और कैफ हमारे बहुत अहमियत देता है कि वो आ जाता है। मुझे बहुत पसंद है आंटी की हाथ की पाव भाजी, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं बचे अभी। और अनीसा भाभी को हम लोग बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि भाभी जब रहती है ना तो वो माहौल जो है ना बहुत खुशनुमा हो जाता है। उनकी हंसी से ना मैं कुछ तुम्हें तो छुप रहेगा, तो मैं सोचती हूँ क्या हो गया। अंकल को भी याद आ रही है। हाँ, बहुत आ रही है, बहुत अंकल को याद आ रही है। मुझे भी तो बहुत याद आ रही है, नहीं आज यहाँ पे अगर वो होती तो थोड़ा सा अच्छा। वीडियो कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। तो गाइस ये उबल चुका है, बॉईल हो चुका है, मम्मी ने इस पे बॉईल लगा दिया। कितने सीटी लगाए मम्मी आपने? दो सीटी। हाँ, आलू का भी मैं छीलूंगी। और अभी ये है शिमला मिर्ची, गाजर और मटर, ये भी बॉईल होने जा रहा है। नमक डाली मैंने थोड़ा, और उसके बाद थोड़ा हल्दी डाला। अच्छा, हल्दी से थोड़ा कलर आ जाती है। अच्छी, इसमें मैंने नमक डाल दिए और अभी डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे। अभी मम्मी क्या कर रही है? कांदा काट रही हूँ। मैंने सोचा अभी कांदा काट रही, जब तक कढ़ाई लग गर्म हो रही है, और उसके बाद आप बुलाते हैं कुक को। अब तक तो मैं हेल्पर थी। और दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मेहनत किसकी ज़्यादा लगती है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेहनत किसकी ज़्यादा रहती है, कुक की या हेल्पर की? हेल्पर की। तो गाइस पापा आ गए हैं। पापा क्या डाल रहे हो? जीरा। जीरा, जीरा से खुशबू अच्छी आती है। तो समझ गए हैं कि पूरी मेहनत किसकी रहती है, लेकिन टेस्ट इनके हाथ में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनको बुलाती हूँ मैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कांदा, देखो रुझा। क्यों गाइस, कांदा वाला हो गया। फिर कटिंग चालू कर दी, क्योंकि पापा को और बारीक और बारीक बारीक का बहुत शौक है, और मुझे काटना पड़ता है। मैंने उनको बताई नहीं थी, अभी बता दी। तो बारीक है ना पापा, मम्मी का उंगली कट गया। थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई पापा, कट। तो गाइज अभी टमाटर डाल रहे हैं, अभी बल गया, अभी मैं इसे मिक्स कर दूंगी। हाँ, बीट डाली, बीट गया, बीट नहीं था, है ना बीट। ये यूज़ करूँगी पानी में, कोई और पानी नहीं लूँगी, ठीक है। अब ये आलू देखो, इसको अभी मैं मैश करूँगी। ओके, ठीक है, मैश कर दूँगी ताकि पाव भाजी एकदम मुँह में नहीं आने लगे। वैसे पाव भाजी का मतलब होता है एकदम घुल जाना, थोड़ा थोड़ा मुँह में आना चाहिए। और वैसे तुम लोग का फेवरेट है, और आज जो इसका बहुत फेवरेट है उसको भी बुलाया हम लोग घर पे। हाँ, कैफ का ना। हाँ, कैफ का। और तो फिर अनीशा भाभी आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरा बट भी मुझे तो अनीशा आंटी की याद आ रही है ना। अच्छी यहाँ पर पापा भी मैश कर रहे हैं टमाटोज एंड कांदास। इससे सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट बहुत अच्छा बनेगा, बस सॉफ्ट बनेगा इससे। पान खा रहे हो पापा? मैं थोड़ी कभी पान खा लेता हूँ। गाइस आप कमेंट करके बोलिए पान नहीं खाना चाहिए। के पान बनारस वाला। जितना भी मसाला है सब घर का है, मैं बाहर का पाव भाजी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, घर का ही बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए
देखिए ना, ये उबला हुआ जितना भी सामान है मतलब भाजी, मैं इसमें डालूंगी। ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। कीजिए अभी आलू बटर डाल रहा हूँ मैं टेस्ट के लिए। जब ये तैयार होने पाए ना तो एक नींबू निचोड़ देगा इसमें, तो उससे क्या होता है कि टेस्ट बढ़ जाता है इसका। जैसे कि चावल में अगर नींबू निचोड़ देते तो पुलाव बहुत खिला खिला होता है। इसी तरह अब मैं पाव बना रहा हूँ। यहाँ पर पापड़ डाल रहे हैं पाव, और ये पाव भाजी देखिए कितना टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए कैफ आप बदल भाई बताइए कैसा बना। तो खाए भी नहीं भाई अभी, तो देखने में कैसा लग रहा है? देखने तो ठीक है, माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह ठीक है। कैफ कैफ की खुशी है, कोई ठिकाना नहीं, कोई बोल ही रहा है। अभी तो मैं पहले खाऊंगा, मेरे को बहुत मजा आ रहा है देख के। कैफ का बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मिर्ची खाओगे? नहीं मिर्ची नहीं, ये खाऊंगा। रुजदा को इंतजार ही नहीं है कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाए, यहीं से शुरू हो गई। कैसा रुजदा? नशा आ गया अल्लाह, ऐसा पापा जी के खा के नशा आ गया। आज गिलास एक पापा जी पे, आज गिलास एक कम हो जाएगा लगता है। कैसा है रिमोट? हां